क्या बनने जा रहा है सनम तेरी कसम का सीक्वल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, साल 2016 में आई हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म सनम तेरी कसम के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म के निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया है और इस साल सितंबर अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई और दिल्ली की लोकेशन पर की जाएगी। इस खबर की पुष्टि करते हुए विनय सप्रू ने बताया कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इस फिल्म के लिए एक कहानी तैयार कर सके। कहानी आगे बढ़ती है, ये इस बारे में बात करती है कि मावरा के कैरेक्टर की पहली आउटिंग में मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर का क्या होता है। इस लिहाज से फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसे लेकर हम सभी काफी एक्साइटेड हैं। हम इस बारे में बहुत सोच रहे थे कि इस फिल्म को सीक्वल में आगे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें इस मोड़ पर पहुंचने में 6 साल लग गए। फिल्म ने एक पंथ का दर्जा हासिल किया और हम दर्शकों को एक जबरदस्त कहानी से निराश नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए भले ही इरादा हमेशा से था, हम तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक हमें एक ऐसी कहानी नहीं मिली जिससे राधिका और मैं दोनों खुश हों। जहां लोग सनम तेरी कसम को उसके शानदार गीतों के लिए याद करते हैं, वहीं इसके मूल में एक सुंदर प्रेम कहानी है जो हमारी पौराणिक कथाओं, भगवान शिव और सती के आसपास की पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होती है। अगली कड़ी की जड़ें पौराणिक कथाओं में भी है, शिव और पार्वती में। ये शहरी और कंटेम्प्रेरी लेकिन फिल्में पौराणिक कहानियों में डूबी हुई है जिनसे हम सभी किसी न किसी तरह से परिचित हैं। संगीत भी सीक्वल की रीड होने वाला है। हालांकि फिल्म के पहले पार्ट में लीड एक्ट्रेस मावरा होकेन का कैरेक्टर मर जाता है, लेकिन फिल्म में फिर से उनके कैरेक्टर को जीवित करने के बारे में विनय सप्रू कहते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि हम इस बार ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका किरदार पहली फिल्म में ही अपना सफर पूरा कर चुका है। हमें इस बार किसी और कलाकार के साथ काम करना पड़ सकता है। हर्षवर्धन के चरित्र को उस पेड़ के नीचे देखना एक दिल दहला देने वाला क्षण है जहां उसे दफनाया गया है। उसके बाद जो होता है उसी से सीक्वल की शुरुआत होती है। आपको बता दें, फिल्म सनम तेरी कसम एक लव स्टोरी है जो कि प्यार के लिए तड़प, कुर्बानी, जज्बात से भरपूर फिल्म है। सनम तेरी कसम के गानों को म्यूजिक लवर्स आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि 6 साल पहले जब फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको इस फिल्म के सीक्वल का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।